तो आज हम पढ़ रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स चैप्टर के बारे में। तो हमने टॉपिक जो लास्ट किया था वो था नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट। जो हम लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक कर रहे थे वो हमारा था नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट यानी कि NDT। तो हमने इसमें अभी तक तीन पॉइंट अपने पढ़ चुके थे। हमने इसमें जो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव वैल्यूएशन टेस्ट था जिसमें टेक्निक्स या फिर मेथड थे, तो हमने इसमें तीन पॉइंट पढ़ लिए थे। सबसे पहले हमने बात की थी डिटरमिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट कंक्रीट स्ट्रेंथ के बारे में। फिर हमने इसमें अलग अलग टेस्ट थे, जैसे रिफॉर्म हैमर टेस्ट था, पल्स वेलोसिटी टेस्ट था। तो इसी प्रकार हमने फिर दूसरा किया था असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के बारे में। हमने इसमें भी क्या पढ़ा, जो हम कंक्रीट की क्वालिटी से रिलेटेड, कंक्रीट की स्ट्रेंथ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने बात की थर्ड पॉइंट में डिटरमिनेशन ऑफ क्रोजन पोटेंशियल। जो हमने लास्ट टॉपिक किया था तो वो था डिटरमिनेशन ऑफ क्रोजन पोटेंशियल। तो इसमें हमने क्या किया था कि ये दो प्रकार के हमारे पास टेस्ट या फिर मेथड हो सकते हैं। एक होता था हाफ सेल पोटेंशियल मेथड, एक हमारे पास था हाफ सेल पोटेंशियल मेथड, और दूसरा मेथड था रेजिस्टिविटी मेथड मीटर। तो हाफ सेल पोटेंशियल मेथड में क्या था कि सिंपल इसमें क्या हम मेजर करते हैं, जब हम चेक करते हैं कि क्रोजन जो हो रहा है हमारे स्ट्रक्चर या बिल्डिंग पे जो क्रोजन लग रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, संभावनाएं कितनी है कि हमारी जो बिल्डिंग है स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्रोजन आएगा, क्रोजन का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी संभावनाएं कितनी है। और दूसरा जो इसमें हमने पॉइंट पढ़ा था वो था रेजिस्टिविटी मीटर। इसमें हम क्या करते थे, ये एक मेथड था जिसके अंदर हम क्या करते थे, चेक करते थे कि क्रोजन जो हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो कितने रेजिस्ट कर रहा है क्रोजन को, कि जैसे हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जब उस पर क्रोजन अटैक करेगा तो वो कितना रेजिस्ट करेगा क्रोजन को, कितना प्रतिरोध करेगा क्रोजन का कि अपने आप को बचाए रखेगा। तो अब हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो हमारा फोर्थ पॉइंट है, असेसमेंट ऑफ केमिकल अटैक ऑन कंक्रीट। कि केमिकल अटैक होता है जो कंक्रीट पर, उसके कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, कौन कौन सा होता है। तो असेसमेंट ऑफ केमिकल अटैक ऑन कंक्रीट में क्या होता है, ये तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं। असेसमेंट ऑफ केमिकल अटैक ऑन कंक्रीट में क्या होते हैं, हमारे पास तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं जिनसे हम चेक करते हैं, डिटरमाइन करते हैं केमिकल अटैक कंक्रीट पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है कार्बोनेशन टेस्ट। जो हम सबसे पहला टेस्ट करते हैं इस केमिकल अटैक वाले में वो होता है कार्बोनेशन टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट जो इसके अंदर होता है वो होता है कार्बोनेशन टेस्ट। ठीक है, कार्बोनेशन टेस्ट जो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं वो होता है कार्बोनेशन, CARBONATION, कार्बोनेशन टेस्ट। दूसरा जो होता है वो होता है क्लोराइड टेस्ट। जो हम दूसरा करते हैं, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा टेस्ट होता है क्लोराइड, क्लोराइड टेस्ट। तीसरा जो हम करते हैं, सेकंड कौन सा हमने बोला, क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड। और जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है सल्फेट टेस्ट। वो कौन सा होता है, सल्फेट, ठीक है, SULPHATE, सल्फेट टेस्ट। यो तो ये तीन टेस्ट है जो हम करते हैं केमिकल अटैक ऑन कंक्रीट का, जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं उस दौरान। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोनेशन टेस्ट की, कि कार्बोनेशन टेस्ट क्या होता है। तो ये एक तरह से फील्ड टेस्ट या फिर लैब टेस्ट बोल सकते हो। कार्बोनेशन टेस्ट को हम एक फील्ड टेस्ट या फिर हम लैब टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी कंक्रीट होती है उसका जो पीएच होता है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट का जो पीएच होता है, कंक्रीट का क्या होता है, जो पीएच होती है, पीएच वैल्यू कितनी है, हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कार्बोनेशन टेस्ट में। कार्बोनेशन टेस्ट एक फील्ड टेस्ट या फिर लैब टेस्ट भी हो सकता है, जिसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, कंक्रीट की पीएच को चेक करते हैं। उसके बाद जो डेप्थ ऑफ कार्बोरेशन है, ठीक है, डेप्थ ऑफ कार्बोरेशन है जिसकी वजह से कि क्रोजन हो रहा है, हमारा जो रिपर होते हैं, हमारे जो रिबर्स होते हैं, जैसे सरिया वगैरह होता है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे बिल्डिंग्स के अंदर सरिया लगे होते हैं, उन पे क्या होती है, कई बार क्रोजन हो जाती है। तो वो कितनी गहराई तक क्रोजन हो रही है, कितनी डेप्थ में जा रही है क्रोजन, तो उन सबको चेक करने के लिए हम करते हैं कार्बोनेशन टेस्ट। तो समझ में आया, कार्बोनेशन टेस्ट हम किस लिए करते हैं,
कार्बोनेशन टेस्ट में हम करते हैं, हमारा जो कंक्रीट होती है उसका पीएच स्केल जो होता है उसको चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए। इसके अलावा जो डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो क्रोजन हो रहा है, क्रोजन किसको हो रहा है, जो हमारे लिवर होते हैं, सरियस वगैरह होते हैं स्ट्रक्चर में, उन पर जो क्रोजन लग रहा है वो किसकी वजह से, कार्बोनेशन की वजह से लगता है, वो कितना डेप्थ में लग रहा है, कितनी गहराई में चला गया है कार्बोनेशन, कितना गहरा लग चुका है, तो उन सब के टेस्ट के लिए हम करते हैं कार्बोनेशन टेस्ट। सेकंड पॉइंट बात करते हैं हम क्लोराइड टेस्ट की, कि क्लोराइड टेस्ट हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो दिस इज ए फील्ड जेल लैब टेस्ट, जो हमारा क्लोराइड टेस्ट है ये भी एक तरह से फील्ड टेस्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा कौन सा है, लैब टेस्ट है, जो कि डिटरमाइन करता है टोटल वाटर एसिड सोल्युबल क्लोराइड कंटेंट, कि जो हमारा टोटल वाटर जो एसिड है उसके अंदर क्लोराइड की मात्रा कितनी है, क्लोराइड का जो कंटेंट है सोल्युबल जल की मिक्स हो चुका है वाटर या फिर एसिड के अंदर, वो क्लोराइड की परसेंटेज, वो क्लोराइड की क्वांटिटी मात्रा कितनी है। तो क्लोराइड टेस्ट हम किस लिए करते हैं, क्लोराइड टेस्ट एक तरह से लैब या फिर फील्ड टेस्ट है, जिसका यूज हम करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए, टोटल वाटर या फिर एसिड, एसिड सोल्युबल क्लोराइड कंटेंट, की एसिड या हमारा टोटल क्या बोल सकते हैं, एसिड है या फिर वाटर है, उसके अंदर क्लोराइड की कितनी मात्रा, कितना कंटेंट उसके साथ मिक्स हुआ है, सोल्युबल हुआ है, तो उस टेस्ट को हम क्या बोल देते हैं, क्लोराइड टेस्ट। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है, सल्फेट टेस्ट। सल्फेट टेस्ट का हम यूज कहां करते हैं, कब करते हैं, तो ये क्या है, दिस इज ए लैब टेस्ट, ये भी क्या है, लैब टेस्ट है, जो हम चेक करने के लिए करते हैं, किसको चेक करने के लिए, कि जो हमारा एसिड या फिर वाटर का सोल्युबल है उसके अंदर सल्फेट कंटेंट कितना है कंक्रीट में, कि जो सल्फेट का कंटेंट है जो हम कंक्रीट में मिला रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, उसके अंदर सल्फेट का कंटेंट कितना है, सल्फेट का कंटेंट कितना है। तो हमने असेसमेंट ऑफ केमिकल अटैक ऑन कंक्रीट, कि जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट पे जो केमिकल अटैक हो रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा, तो तीन पॉइंट हमारे बनेंगे इस टॉपिक में, मतलब इस जो हमारा पॉइंट है फोर्थ पॉइंट में हमारे तीन पॉइंट बनेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट होगा, जो पहला मेथड भी बोल सकते हो, जो टेस्ट भी बोल सकते हैं, वो होगा कार्बोनेशन टेस्ट। कार्बोनेशन टेस्ट में हम जस्ट क्या करेंगे, कि जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट का जो पीएच स्केल है हम वो चेक करेंगे, मेजर करेंगे। इसके अलावा और हम क्या करेंगे, जो कार्बोनेशन की डेप्थ है, जिस डेप्थ में वो क्रोजन हो रहा है हमारे रिवर्स को, हमारे जो सरिये वगैरह होते हैं उन पे क्रोजन लग रहा है, तो उसको चेक करेंगे कितनी डेप्थ में है। उसके बाद हम सेकंड करते हैं क्लोराइड टेस्ट। क्लोराइड टेस्ट हम करते हैं जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, किसको डिटरमाइन करने के लिए, ये हम करते हैं कि जो हमारा वाटर, जो टोटल वाटर जो एसिड होता है उसके अंदर क्लोराइड कंटेंट कितना सोल्युबल होता है, जो हम कंक्रीट में यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड सल्फेट टेस्ट की। सल्फेट टेस्ट का यूज भी हम इसलिए करते हैं, यही मेजर करने के लिए कि जो हमारा टोटल वाटर या फिर एसिड लेवल है उसके अंदर सल्फेट की कंटेंट की मात्रा कितनी मिक्स है, सोल्युबल कितना का है, जो हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए। तो ये हमने पढ़े असेसमेंट ऑफ केमिकल अटैक ऑन कंक्रीट के तीन पॉइंट। अब हमारा है पांचवा पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे पांचवें पॉइंट की, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, डिटरमिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी। ठीक है, अभी आ हमारा फिफ्थ पॉइंट, डिटरमिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, PERMEABILITY, परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी, डिटरमिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, कि इस परमेबिलिटी को डिटरमाइन करना, चेक करना। तो क्या होता है, हम जब भी परमेबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है, परमेबिलिटी को कंक्रीट के अंदर चेक करते हैं, तो ये एक तरह से मेजर फैक्ट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए, कि अगर हम चेक करते हैं परमेबिलिटी, इसका मतलब है हम चेक कर रहे हैं हमारा जो कंक्रीट है, कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो डक्टिलिटी है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, कि वो ड्यूरेबिलिटी यानी कि जो हमारा कंक्रीट है वो कितने समय के लिए चलेगा। तो ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ परमेबिलिटी।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तभी हम निकाल सकेंगे हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, इस मेथड के द्वारा जैसे ये मेथड हम यूज करते हैं एयर प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए, अगर हमने कंक्रीट के अंदर एयर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एयर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मेथड का। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, बस तो इसमें बस यही चीज होगा कि डिटरमिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज कंसीडर्ड ए मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, कि जो भी हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, परमीबिलिटी होती है। परमीबिलिटी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी जो भी कंक्रीट की स्ट्रक्चर की जो हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी होती है उसके लिए। उसके बाद हम इस मेथड का यूज किस लिए करते हैं, इस मेथड का हम यूज एयर परमीबिलिटी होती है जो कंक्रीट के अंदर उसको मेजर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ परमीबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है छठा, वो है डिटरमिनेशन ऑफ कंक्रीट कवर। ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ जो हमारा सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट हमारा कौन सा है, डिटरमिनेशन ऑफ, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट कवर कि हमारा जो कंक्रीट का वो कितने कवर है, कितना हमारा कवर है, या फिर रेनफोर्समेंट डिटेल, ठीक है, जो हमारा सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट का मतलब क्या है कि डिटरमिनेशन ऑफ कंक्रीट कवर, कि कंक्रीट के कवर को डिटरमाइन करना, रेनफोर्समेंट डिटेल जो होगी और स्पेसिंग होगी, कि जो हमारे कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग है उसके बारे में डिटरमाइन करना। तो इस मेथड का, इस टेस्ट का हम यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज हम करते हैं मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, किसको डिटरमाइन करने के लिए, थिकनेस ऑफ कवर को, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका हम यूज करते हैं थिकनेस चेक करने के लिए, किसके लिए, थिकनेस ऑफ कवर, जो कंक्रीट का हमने कवर बनाया है उसको चेक करने के लिए, थिकनेस ऑफ कवर बोल सकते हो, थिकनेस ऑफ कवर, कि कवर की थिकनेस को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारे रीबर होते हैं, यानी सरिया वगैरह होता है, उसकी स्पेसिंग के लिए कि वो कितने कितने स्पेस पे हमारे रीवर क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, या फिर बात करते हैं रीवर का जो डायमीटर होता है, रीवर डायमीटर के लिए, डायमीटर, ठीक है। तो ये कुछ तीन पॉइंट हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ कंक्रीट कवर, रेनफोर्स डिटेल एंड स्पेसिंग। हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो हमारे कवर की, किस कवर की, कंक्रीट कवर की जो थिकनेस है उसको मेजर कर सके, उसको डिटरमाइन कर सके, तो इसलिए हम यूज करते हैं इसका। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने बात की रिवर स्पेसिंग, जो हमारे रिवर होते हैं यानी कि सरियेज वगैरह होते हैं उनकी जो स्पेसिंग है उसके लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, एनडीटी टेस्ट का यूज कर लेते हैं, जैसे डिटरमाइन करने के लिए इस तरीके से एनडीटी टेस्ट। उसके बाद जो रिवर डायमीटर होता है कि कितने डायमीटर के हैं, तो उसको मेजर करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, इस एनडीटी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, एनडीटी टेस्ट का यूज कर सकते हैं। इनको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे प्रोफोमीटर होता है, जैसे क्या होता है, प्रोफोमीटर, PROFOMETER, मीटर, ठीक है, प्रोफोमीटर होता है। इसके बाद पैचोमीटर होता है, फी डेप्थ होती है, ऐसे कुछ तीन चार इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इन चीजों का चेक कर सकते हैं। तो ये हमने टॉपिक अपना किया डिटरमिनेशन ऑफ कंक्रीट कवर, रेनफोर्स डिटेल एंड स्पेसिंग के बारे में। तो ये हमारे क्या है, छह पॉइंट बनते हैं हमारे, सिक्स क्या बनते हैं, पॉइंट बनते हैं, इसमें बनते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट यानी कि एनडीटी टेस्ट में। एनडीटी टेस्ट में हमने जस्ट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने डिटरमिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट कंक्रीट स्ट्रेंथ पढ़ी। कंक्रीट स्ट्रेंथ में हमने क्या किया, चार पांच हमारे पास इसमें क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे, टेस्ट आ जाएंगे, मेथड आ जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले रिबाउंड हैमर टेस्ट है।
तो रिबाउंड हैमर टेस्ट की मदद से हम क्या करेंगे, कंक्रीट की क्वालिटी को चेक करेंगे। फिर हमने इसमें अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट किया, विंसर प्रोब मेथड किया, उसके बाद पुल आउट टेस्ट और कोर टेस्ट था, तो इन टेस्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने बात की असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की, जिसके अंदर हमने यूपीवी मेथड क्या होता है, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी मेथड क्या होता है, एक्यूस्टिक इंपैक्ट मेथड क्या होता है, रेडार मेथड क्या होता है, रेडियोग्राफिक मेथड क्या होता है, इनके बारे में चर्चा की। फिर हमने अपना थर्ड पॉइंट शुरू किया, डिटरमिनेशन ऑफ कोरोजन पोटेंशियल। इसके अंदर हमने दो पॉइंट के बारे में बात की, एक था हाफ सेल पोटेंशियल मेथड और दूसरा था हमारा रेजिस्टिविटी मीटर के बारे में, हमने उनके बारे में जाना। फिर हमने फोर्थ पॉइंट में शुरू किया असेसमेंट ऑफ केमिकल अटैक ऑन कंक्रीट। कंक्रीट के ऊपर जो केमिकल अटैक होता है चार चीजों का होता है, एक होता है सल्फेट टेस्ट, दूसरा होता है क्लोराइड टेस्ट और तीसरा होता है कार्बोनेशन टेस्ट। फिर हमने बात की डेफिनेशन ऑफ प्रीमेबिलिटी की, तो इसके अंदर क्या है, जस्ट हम चेक करते हैं जो हमारी ड्यूरेबिलिटी होती है, किसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, कंक्रीट की, ठीक है, कंक्रीट का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा। फिर हमने बात की डेटरमिनेशन ऑफ कंक्रीट कवर एनफोर्समेंट डिटेलमेंट एंड स्पेसिंग के बारे में, तो इसमें हमने बात की कि ये चीज हम करते हैं थिकनेस ऑफ कवरिंग, जो हमारा कवर है कवर की थिकनेस के लिए, रिवर की स्पेसिंग के लिए या रिवर का जो डायमीटर है उसके लिए हम यूज करते हैं। प्रेफोमीटर होता है, पैचोमीटर होता है, उसके बाद फी डेप्थ होता है, तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये क्या कर सकते हैं, इन सबको मेजर कर सकते हैं। अभी हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक कौन सा है, सम कॉमनली यूज्ड एनडीई टेस्ट। हमारे क्या है, हमारे सिलेबस में कुछ तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम पढ़ेंगे। अभी हमने जो नॉन डिस्ट्रक्टिव वैल्यूएशन टेस्ट पढ़ा, इसमें भी हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा थोड़ा जाना है। अभी हम इनको पूरी ब्रीफली अच्छी तरह से पढ़ेंगे इन तीन टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से ये तीन टेस्ट हैं, ठीक है, कि जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है हमारे सिलेबस में जिसको हम कंप्लीट करना है, उन टेस्ट को तीन टेस्ट होते हैं। एक तो होता है जो हमारा पहला ही टेस्ट जो हमने किया था, रिबॉन हैमर टेस्ट, ठीक है, रिबॉन हैमर टेस्ट क्या होता है। एक हमने पढ़ा था कोर टेस्ट कि कोर टेस्ट क्या होता है, और एक हमने पढ़ा था अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये तीनों टेस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक बार फिर से इनको ब्रीफली हम पढ़ेंगे तीनों टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये तीनों टेस्ट जो भी आपको बताया है, इन तीनों टेस्ट का वाइडली यूज किया जाता है हमारी मॉडर्न लाइफ में, जो हमारी आजकल की लाइफ है, इंडस्ट्रियल लाइफ है, आधुनिक युग है, तो इसमें इन तीनों टेस्ट का, इन तीनों मेथड्स का वाइडली यूज किया जा रहा है हर जगह पे। तो हम शुरू करते हैं इसको, तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सम कॉमनली यूज्ड एनडीई टेस्ट या सम कॉमनली यूज्ड, या हम स्पेशल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सम कॉमनली यूज्ड COMMONLY, सम Commonly used NDE, जब इसको NDT test, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। NDE का मतलब यहां पे उन्होंने फुल फॉर्म पूरी लिख दी, यानी कि पूरी में डिफाइन कर दिया, जैसे N का मतलब नॉन, D का मतलब डिस्ट्रक्टिव, E का मतलब evaluation, यहां पे जस्ट उन्होंने लिखा नॉन डिस्ट्रक्टिव evaluation test, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो इसमें हमने पढ़ना है तीन टेस्ट के बारे में। सबसे पहले आपको बताया हमने तीन टेस्ट के बारे में पढ़ना है, पहला कौन सा है, रिबॉन्ड हैमर टेस्ट, दूसरा हमने बात करनी है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट की, और तीसरी जो हमने बात करनी है वो बात करनी है हमारी जो हमने कोर टेस्ट किया था, कंक्रीट कोर टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात हम करते हैं रिबॉन्ड हैमर टेस्ट के बारे में, रिबॉन्ड, ठीक है, REBOUND, रिबॉन्ड हैमर, हैमर टेस्ट, रिबॉन्ड हैमर टेस्ट। तो रिबॉन्ड हैमर टेस्ट के अंदर आपको बताया था कि ये एक तरह से क्या होता है, फील्ड टेस्ट होता है। रिबॉन्ड हैमर टेस्ट क्या होता है, एक तरह से फील्ड टेस्ट होता है, जिस जो कि जस्ट हम यूज करते हैं, किसलिए यूज करते हैं, मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, मेजर द क्वालिटी ऑफ, मेजर द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट।
हमारी कंक्रीट की क्वालिटी कैसी है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते थे रिबॉन्ड हैमर टेस्ट का, जो कि आपने हमारा जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट था उस टॉपिक में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसका यूज हम जस्ट करते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए, क्वालिटी को मेजर करने के लिए, हमारे कंक्रीट की क्वालिटी को मेजर करने। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक हैमर का यूज करते हैं इस मेथड में, क्योंकि रिबॉन्ड हैमर मेथड है, हैमर यानी कि हथौड़ा। इस मेथड में हम एक हैमर का यूज करते हैं, उस हैमर को हम बोलते हैं सचमिटेड हैमर, SCHMIDT हैमर। ठीक है, तो ये हैमर का नाम है जिस हैमर का हम क्या करते हैं रिबॉन्ड हैमर टेस्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, हैमर के अंदर यूज करते हैं। आपको बाकी बताया था हम क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कंक्रीट के जोन बन जाएंगे, अलग अलग जोन पे हम क्या करेंगे हैमर ब्लो से, हैमर से क्या करेंगे टेस्ट करेंगे और उसकी क्वालिटी का, कंक्रीट की क्वालिटी का चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि कंक्रीट की क्वालिटी अलग अलग जोन में कैसी है। ठीक है, अलग अलग जोन में कैसी है। तो जस्ट इसमें बस यही चीज होगा कि रिबॉन्ड टेस्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, हमारे कंक्रीट की क्वालिटी को चेक करने के लिए। इसके अंदर हम सचमिट जो हैमर होता है उसका यूज करते हैं। अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होंगे हमारे, किसके जोन्स होंगे, कंक्रीट के जो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बने होंगे, हर जोन पे हम क्या करेंगे इंडिविजुअली हैमर का टेस्ट करेंगे, रिबॉन्ड हैमर टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आया है कंक्रीट की क्वालिटी से रिलेटेड, कि कंक्रीट की क्वालिटी कैसी है, स्ट्रेंथ इसकी हाई है या लो है। ठीक है, तो ये टेस्ट हम करते हैं, इसलिए करते हैं मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, क्वालिटी को मेजर करने के लिए, कंक्रीट की क्वालिटी को मेजर करने के लिए। फिर हम बात करते हैं हमारे दूसरे टेस्ट की। दूसरा टेस्ट हमारा कौन सा है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। दूसरा जो हमारा टेस्ट है वो है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स PUL, ठीक है, PULST पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, वेलोसिटी टेस्ट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं UPV भी बोल सकते हैं। यू मतलब अल्ट्रासोनिक, पी का मतलब पल्स और वी का मतलब वेलोसिटी, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। तो हमने क्या पढ़ा था अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड का हम यूज किस लिए करते थे, इसका हम यूज करते थे, इसलिए यूज करते थे जो हमारी इंटरनल, इनका यूज हम किस लिए करते थे, हम करते थे अपनी जो क्रैक्स होते थे, वॉइड्स होते हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते थे, यूपी मेथड का यूज करते थे। इसके अलावा हम इसका जो डेप्थ ऑफ क्रैक होती है, क्रैक्स की जो डेप्थ होती थी उसको मेजर करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते थे, हम यूज करते थे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड का यूज करते थे। तो हम क्या लिखेंगे कि ये भी एक तरह से नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, ये भी एक NDT टेस्ट होता है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, किसको डिटेक्ट करने के लिए, जो हमारे इंटरनल वॉइड्स होते हैं, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, मेजर करने के लिए, या फिर बोल सकते हो डिटेक्ट करने के लिए, किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो हमारे वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, इनको मेजर करने के लिए। उसके बाद जो डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ क्रैक होती है, डेप्थ ऑफ क्रैक्स होती है, तो इन सबको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या कहते हैं, मेजरिंग ट्रेवल टाइम ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स 50 to 54 kHz, जो हमारी पल्स की वेलोसिटी है, जो ट्रेवल करती है, यानी कि टी टाइम ट्रेवल करती है, वो होती है 50 से लेके 54, ठीक है, 50 से लेके 54 kHz तक। ठीक है, जो अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी पल्स हमारी क्या कर रही है, अल्ट्रासोनिक जो पल्स होती है जो ट्रेवल कर रही है, वो कितनी स्पीड के साथ, वो होती है 50 से लेके 54 kHz के बीच में। ठीक है, kHz के बीच में। ठीक है, तो यूपी टेस्ट में जस्ट यही होगा कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं, यूपीवी का टेस्ट यूज हम करते हैं हमारे कंक्रीट का, हमारे कंक्रीट के अंदर जो क्रैक्स पैदा हुए हैं, वॉइड्स पैदा हुए हैं,
या फिर जो क्रैक्स की डेप्थ है वो कितनी है, उन सबको मेजर करने के लिए, उन सबको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का, यानी कि यूपीवी टेस्ट का यूज करते हैं। उसके अलावा जो इसकी पल्स वेलोसिटी अल्ट्रासोनिक पल्स होती है वो होती है 50 से लेके 54 किलो हर्ट्स। वो कितनी होती है 50 से लेके 54 किलो वर्ड्स। आगे हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा है कंक्रीट कोर टेस्ट। तीसरा कौन सा है हमारा, कंक्रीट कोर टेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। तीसरा हमारा कौन सा है, कंक्रीट कोर टेस्ट। कंक्रीट कोर टेस्ट, तो हमने बात की थी जब हमने फर्स्ट टॉपिक शुरू किया था, जब हम एनडीटी टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो डिटरमिनेशन ऑफ इंस्टेंट कंक्रीट स्ट्रेंथ पर पढ़ रहे थे, तो हमने ये लास्ट में टॉपिक किया था, उसमें कंक्रीट या कोर टेस्ट हमने उसमें लिखा था। नॉर्मली कोर टेस्ट इसका यूज हम कस लिए करते हैं, तो इसका यूज हम डायरेक्टली, हम क्या करते हैं डायरेक्टली मेजर करने के लिए, किसको मेजर करने के लिए, हमारे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, हमारे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसको डायरेक्टली मेजर करने के लिए जो टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को हमने वो हम बोलते हैं कंक्रीट कोर टेस्ट। कि जैसे लिखा है, दिस इज डायरेक्ट वे ऑफ मेजरिंग एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट कंक्रीट कोर्स आर कट मे बी मींस ऑफ रोटरी कटिंग टूल एंड डायमंड ब्लेड्स। कि जो हमारा जो कटिंग टूल होता है, कटिंग कोर्स होती है, कंक्रीट कोर्स होती है, ये क्या होती है, इनको हम कट कर सकते हैं। किससे, जो हमारे रोटरी कटर होते हैं, डायमंड कटर होते हैं, उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इनको कट कर सकते हैं। तो नॉर्मली कोर्स का हम यूज किस लिए करते हैं, कोर टेस्ट, जो कंक्रीट कोर टेस्ट होता है, इसका यूज हम सिंपली भाषा में बोले तो डायरेक्टली मेजर करने के लिए, किसको डायरेक्टली मेजर करने के लिए, हमारे जो कंक्रीट की एक्चुअल स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल उसकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, उसको मेजर करने के लिए जो हम नॉर्मली टेस्ट करते हैं, डायरेक्टली टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को बोल देते हैं कंक्रीट कोर टेस्ट। उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट कोर टेस्ट। तो कंक्रीट कोर टेस्ट, तो आज के इस टॉपिक में हमने बात की जो हमारे एनडीटी टेस्ट थे, हमारे यानी कि एनडीई बोल सकते हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव वैल्यूएशन टेस्ट की कुछ टेक्निक्स की, उनके बारे में चर्चा की। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में पूरा, आज हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक था, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में सबसे पहले बात की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही किससे रिलेटेड था, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स। यानी कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर या बिल्डिंग के अंदर डिफेक्ट्स है, उन डिफेक्ट्स के बारे में जानना, यानी कि उनका निरीक्षण करना, उनके बारे में पता लगाना, और उसके बाद उसका जो उपचार है उसको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हमने क्या करनी थी, बात करनी थी। तो सबसे पहले उसी में हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा की, फिर हमने डायग्नोसिस के बारे में बात की, फिर और इन्वेस्टिगेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में बात की, फिर हमने बात की जो डिटेल स्टेप्स थे, जिसमें हमने फिजिकल इंस्पेक्शन होती है पहले, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है प्रॉब्लम्स की, उनके बारे में चर्चा की, और फिर हमने लास्ट में जो ये टॉपिक शुरू किया था, ये टॉपिक हमारा कौन सा था, टॉपिक हमारे थे एनडीटी टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव वैल्यूएशन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो 6 प्रकार के हमारे टेस्ट थे जिनके बारे में हमने चर्चा की कि कौन कौन से हमारे टेस्ट थे। सबसे पहले था डिटरमिनेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ, जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसको डिटरमाइन करना। फिर हमने असेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के बारे में बात की, क्रोजन पोटेंशियल के बारे में बात की, असेसमेंट ऑफ केमिकल अटैक के बारे में, जो कंक्रीट पे केमिकल अटैक हो रहा है उसके बारे में, प्रेबिलिटी के बारे में, कंक्रीट को कवर रेनफोर्स डिटेल के बारे में, और लास्ट में हमने 3 टॉपिक किए जो हमारे टेस्ट होते हैं, 3 महत्वपूर्ण जो हमारे टेस्ट थे, इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, उनके बारे में बात की, कौन से थे, रिबॉन हैमर टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स और कंक्रीट कोर टेस्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन हमने फिर से इनको बारे में चर्चा की कि इनका यूज हम किस किस काम के लिए करते हैं, क्वालिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, सेसमेट हैमर होता है उसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स में भी हम क्या यूज करते हैं, उसके बाद कंक्रीट टेस्ट कोर टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना काफी, और आपका ये 3rd यूनिट जो इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट आपकी यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। थैंक यू।